रहा है, मेला आ रहा है, मैदानों में सफाई करो, मेला लगने वाला है, मेला आ रहा है, मेला आ रहा है, झूले आ रहे हैं, झूले आ रहे हैं, दुकानें आ रही हैं, मेला आ रहा है। क्या खुशी की बात जब मेला, दुकानें, झूले आते हैं, चारों तरफ मैदान, पार्क, सब जगह सफाई हो जाती है और हम सब लोग मेला में ख़रीदारी करते हैं और ख़रीदारी के साथ साथ आनंद उठाते हैं। हमारे दुकानदार भाई और हमारे दर्शक, घूमने फिरने वाले लोग खूब मेला का आनंद उठाते हैं और सामान खरीदा, देखा, अच्छा लगा तो उसको झोले में रख लिया, उसका अखबार फेंका, उसकी प्लास्टिक फेंकी, पॉलीथीन फेंका, उसकी घास फूस फेंकी, आगे बढ़े। और ऐसे ही मेला के प्रतिदिन ये कार्य होता है और एक दिन ऐसा आता है कि मेला समाप्त होता है, दुकानदार अपने सामान को हिफाजत से रख के चला जाता है, दुकानें भी हट जाती हैं और बसता है मेला की यादें, मेला की रोज की यादें जो हम आप सब ने दे रखी हैं। मेला को, मैदान को बहुत सारी पॉलीथीन, बहुत सारे अखबार फटे पुराने, बहुत सारी घास फूस जो मूर्तियों में हमारी बहुत सी सीनरियों में लगी थी, उनको सब फेंक के वहीं चले गए। हम अब मेला को मेला न मानकर उसको कूड़ा घर बना के चले गए। क्या यही हमारी मेला की एक चीज आनंदित जो होती है वो इसी तरह आनंदित होगी? क्या हम मेला का आनंद इसी रूप में तब्दील करके जाएंगे? हम सब लोगों को स्वच्छता के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए और स्वच्छता को लेकर ही मेला में हमें अपने सामान को बेचना और ख़रीदना चाहिए। हम दर्शक लोग भी और हम दुकानदार लोग भी ऐसे अपने कर्तव्य जिम्मेदारी को निभाएं कि कोई भी गंदगी, कोई भी कूड़ा हम मेला ख़त्म होने के बाद ना फेंक के जाएं, जिससे कि लोग कहें कि ये मेला यहाँ लगा था, अब देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है और कितने ये कूड़े के ढेर से पड़े होके हवा में उड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर इकट्ठे हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमें आज भी जागरूकता नहीं जागी है स्वच्छता के प्रति? हम सब लोगों को अब कठोरता से ये नियम बना देना चाहिए कि जहाँ भी मेला लगेगा, जहाँ भी दुकानदारें लगेंगी, जहाँ भी दुकानदार आएंगे, अपनी दुकान लगाकर जैसी जगह मिली थी वैसे ही जगह छोड़कर जाएंगे और वही मेला का आनंद होगा और वही हमारी आपकी स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी होगी। हम सब नागरिकों को ये अहम जिम्मेदारी बनती है, हम दुकानदारों की ये अहम जिम्मेदारी बनती है, सारे कमेटी के लोगों की अहम जिम्मेदारी बनती है कि हम आपसी समझदारी से उस व्यवस्था को बना के रखें जो हमने मेला शुरू होने से पहले बनाई थी और बाद में मेला ख़त्म होने के बाद भी वैसी ही हमें दिखाई दे और वही हमारी सभ्यता और वही हमारी एक तरह से आदर्श नीति स्वच्छता के प्रति है और होनी चाहिए। एक जनहित में अपील। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।